हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और यहाँ पे देखिए, ये संडे की वीडियो है और शाम को मैं इस वीडियो का एडिट भी कर लूँगी। तो ये संडे की सुबह की वीडियो है और अभी मेरा नहाना धोना पूजा पाठ सुबह का जो भी काम रहता है वो हो गया है। और यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी अपने और इनके लिए। और छुट्टी है ना, तो मतलब वैसे छुट्टी है और बच्चों की तबीयत भी ख़राब है और मेरी तबीयत तो नवरात्र के बाद से ही ख़राब चल रही है। अभी भी गला ठीक नहीं हुआ, जुकाम जैसा लग ही रहा है कि ऐसे भारी भारी सा। और यहाँ पे देखिए, मतलब अजीब सा फील हो रहा है। पता नहीं आजकल क्या हो गया है, सर्दी जुकाम किसी को हो रहा है तो लग रहा है कि ऐसे ठीक ही नहीं हो रहा। मुझे तो ऐसे नहीं होता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब ठीक ही नहीं हो रहा है जुकाम। उसके बाद वायरल भी हो रखा है ना, फीवर हो गया तो मुझे हुआ, तो मेरे बड़े फिर बड़े बेटे को हो गया, उसके बाद मेरे छोटे बेटे को भी आज फीवर आने लगा था। कल शाम से ही आ गया था, तो उसको भी पैरासीटामोल रखे थे तो दे दिए थे। और यहीं पास में डिस्पेंसरी है, आज ले जाऊंगी मैं, दिखा दूँ। बड़े बेटे को पता नहीं फीवर के बाद ना, कह रहा पैर में दर्द हो रहा है उसको, पता नहीं क्या, पैर के नीचे वाले हिस्से में ना बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं एक बार उसको यहीं दिखा लूँगी। और आज संडे है ना, तो आज तो बंद ही होगा डिस्पेंसरी, तो मैं कल दिखा लूँगी उसको किसी भी हालत में। पैरासीटामोल था तो फीवर तो ठीक है उन लोगों का। और यहाँ पे देखिए, मतलब मैं पराठे बना रही थी। और मैं पहली बताती हूँ कि आपको, तवे पे जो पहली रोटी होती है मैं छोटी सी डाल देती हूँ, गाय या चिड़िया किसी को भी दे देती हूँ। मैं कई बार ये वीडियो में बताई हूँ कि जो पहली रोटी होती है ना, उसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, भले छोटा सा डाल दो और डालने के बाद उसको चिड़िया को दे दो या गाय को दे दो, किसी को भी, कुत्ते को दे दो, कुछ किसी को। अगर गाय है तो बढ़िया है, और गाय नहीं तो यहाँ गाय कहाँ मिलेगी। तो यही मैं चिड़िया को डाल देती हूँ, चिड़िया मिल जाती है। तब मैं पहली रोटी एक छोटा सा ज़रूर बनाती हूँ, उसके बाद जो है बनाती हूँ और पराठे। और मैं ना नहाने से पहले ना भिंडी की भुजिया यहाँ पे बना के चली गई थी, और उसके बाद पूजा वूजा करके आई हूँ, भिंडी की भुजिया और चाय भी रख दिया है मैंने, और उसके बाद यहाँ पे पराठे बना रही हूँ। तो नाश्ता है भी हो जाएगा ना, तो खाना हल्का फुल्का भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही मैं इसीलिए कही कि चलो नाश्ता कम से कम है भी कर लिया जाए। और सबकी तबीयत ख़राब है तो नाश्ता होगा तभी सब लोग दवाई भी ले पाएंगे, तो बच्चे खा नहीं रहे आजकल ना, फीवर हो रहा है। लेकिन वही थोड़ा सा पराठे तो खाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए, मेरे पराठे भी बन गए और मैं भी अब नाश्ता कर लूँगी। और बच्चे लेटे ही थे, उठ गए थे लेकिन ब्रश व्रश करके ना, मतलब लेटे थे, तो मैं यहाँ पे अपने लिए चाय भी, मतलब इनको चाय दी ना, तो मैंने अपने लिए भी छान के रख लिया। मैंने कहा चलो अब पहले पराठा कर नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद ही कोई काम करूँगी। आज काम भी बहुत था, संडे था, मैंने कहा चलो ये सब काम हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो आज पहले नाश्ता है भी कर लेते हैं। और देखिए, उसके बाद जो है मैं गैस चूल्हा साफ़ कर लूँगी। क्या है ना, क्या मतलब हाथों हाथ कर लो काम तो हो जाता है, और इसी काम को अगर छोड़ दो ना कि चलो बाद में करेंगे, तो फिर आलस आ जाता है, ऐसे लगता है मुझे, मुझे तो हो जाता है। मैं अगर छोड़ दूँ ना कि चलो अगली बार कर लेंगे, तो वो आलस आ जाएगा, फिर वो दोपहर के बाद ही होता है। और ये तब तक नाश्ता कर लिए थे, उसके बाद मैं हाथों हाथ गैस भी साफ़ कर ली। और खुला है ना तो कॉकरोच वगैरह बहुत जल्दी आ जाते हैं, कीड़े उड़े, तो इसीलिए मैं ना हमेशा ही जब कुछ बनाती हूँ तो पहले कर लेती हूँ, या खाने के बाद करूँ गैस चूल्हा साफ़, या पहले करूँ, लेकिन कर लेती हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए, मेरा भी नाश्ता तैयार है, तो चलिए नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी ये वाला कमरा ठीक करने, बेडरूम। और बेडरूम में क्या है ना कि मतलब ये वाली चद्दर मैं चेंज की थी कल ही, तो मैं आज चेंज नहीं करूँगी, रोज़ नहीं करती हूँ मैं, 3-4 दिन पे ही। बच्चे तो हैं, गंदा तो होता है, आप लोग समझते ही होंगे, लेकिन फिर भी मतलब 2-3 दिन पे ही करती हूँ, ऐसा नहीं कि रोज़ मैं चादर धो लूँ, और ऐसे नहीं है। तो यहाँ पे बस ठीक ही ठाक करनी है, थोड़ी सी चादर को ठीक ठाक कर लूँगी मैं। और ये सब ना बेटे का खिलौने था, तो मैं उस रूम में लेके जा रही थी रखने के लिए, वो ना रात में भी लेके बेड पे आ जाता है कुछ ना कुछ चीज़ें। और यहाँ पे देखिए, ये भी महाराज उठ के, मतलब इनके दर्द हो रहा है और फीवर भी था, तो फीवर अभी ठीक था, दवाई दे, अब नाश्ता कर लेंगे तो दवाई दे देंगे इनको। अभी नाश्ता नहीं किए हैं, मैं ये और ये किए थे। और इनको मैं कह रही थी कि जाओ बेडरूम में ठीक कर दी हूँ और वहाँ बैठो, और यहाँ का मैं ठीक कर लूँगा। यहाँ की ना चादर धोनी थी, तो मुझे यहाँ की चादर चेंज करनी थी। और ये देखिए टेबल का हाल, और रोज़ आप 2-3 बार इसको ठीक करेंगे, पर ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मेरा छोटा बेटा आता है ना, तो वो ले लेके सब फेंक देता है। जिसके घर बच्चे होंगे सबको पता होगा, आप कितनी बार भी कमरा ठीक करिए, वो कमरा होना ही है ऐसे।
और टेबल पे, तो यहाँ पे मतलब बच्चे हैं तो करेंगे ही। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये चादर भी ठीक हो गया, मतलब इसको ठीक कर दी, और पूरे दिन सोचती हूँ कैसे साफ़ सुथरा रहे, लेकिन ऐसा रहता नहीं है। बस ये अभी जब करूँगी तभी तक दिखेगा। और उसके बाद देखिए मुझे बाहर थोड़े पौधों में ना मतलब पानी क्या गंदा हो गया था दीवार, तो मैं कही चलो इसी बहाने खिड़की धुल दूँगी और पानी भी पड़ जाएगा, और वही मैं आ गई थी यहाँ पे। और पूरा ही मैं थोड़ा सा करने के चक्कर में ना मैंने पूरा ही किया, और मैं इतनी बुरी तरह से आज थक गई हूँ, लेकिन वही है ना, हाथ लगाओ तो काम हो ही जाता है। और यहाँ पे देखिए मेरे पर्दे भी गंदे हो गए थे, तो मैं ये निकाल रही थी तो मेरे से निकल ही नहीं रहा था। ये ना रॉड जो है ना बड़ा ख़राब होता है, ये निकलता नहीं है। तो मैं ना इनसे कह रही थी कि आइए ना देखिए ना, ये वाला खुल ही नहीं रहा था मेरे से, कितना भी टाइट खोल रही थी ना, पता नहीं कैसे लग गया था। और एक साल हो गया ना जब से आए, तब से ये पर्दा धुला नहीं, पर्दे भी काले से हो रखे थे। मैंने कहा चलो आज इसको धो ही देती हूँ, ये भी काम हो जाए। और आजकल गर्मी है ना तो मशीन के कपड़े 2 मिनट में सूख भी जाते हैं, तो इसीलिए। और खिड़की बड़ी बड़ी है ना तो पर्दे लगाना भी ज़रूरी है। और ये आ गए तो निकाल दिए, पर्दे भी निकाल दिए और वो खोल भी दिए थे, तो मैं इनसे निकलवा ली थी। और उसके बाद जो है मैं ना शांत मतलब बेटे के रूम वाला भी निकालूंगी पर्दा। और यहाँ पे देखिए रॉड ना, वो हवन वन करते हैं या दिया वा जलाते हैं तो रॉड पे ना काला काला सा जम गया था, तो मैं उसको भी साफ कर रही थी। और साथ में ये कुछ बोल रहे थे ना, तो मैं हंस भी रही थी कि पता नहीं क्या बोल रहे थे ये कुछ। उसके बाद देखिए यहाँ का तो मैं निकाल लूँगी, यहाँ वो लगा हुआ है नहीं है ना, तो ये यहाँ वाला तो आराम से मतलब खुल जाता है, और वहाँ वाला टाइट है नहीं खुलता है। तो यहाँ वाले पर्दे देखिए मैं निकाल लूँगी, और निकाल के जो है ना विंडो भी थोड़ी सी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मैंने ना आज वो पीछे से ना मतलब पानी से पूरा धो दिया है। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने ये जाली जो है ना इसको भी ब्रश से और कपड़े से मार दूँगी, और जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना उससे जाली साफ़ करो तो आराम से साफ़ हो जाता है। थोड़े बहुत ही मतलब सारे ब्रश में ही गंदगी आ जाती है अगर धूल वगैरह इसमें जो भी है ना, तब मैं तो वही मतलब उसी से कर लेती हूँ। और ये ट्रिक ना वो जो जब मैं शिफ्ट होने आई थी ना तो वो साफ़ कर रहा था, तो वही बताया था। और यहाँ पे ये देखिए ये ना पर्दों को ना मैं ऐसे करके बांध लूँगी इकट्ठा करके, और दो इधर कर दूँगी, फिर दो उधर दो दो करके, और जुराब होना तो जुराब में आप फंसा दीजिए, ऐसे भी करके आप धो सकते हैं। इससे क्या होता है ये जो पर्दे में लगे हैं ना कुंडे, ये ख़राब नहीं होंगे, जो लोहे के रहते हैं ना आप मशीन में डालिए तो अगर बांध के नहीं डालेंगे ना तो ये फिर ख़राब हो जाते हैं। तो मैं डोरी से किसी भी रस्सी से आप बांध के उसके बाद एक कपड़ा लपेट के फिर डालिए, और ऐसा नहीं कि पर्दा साफ़ नहीं होगा, बस वो आगे का जो है ना वो बंधा रहेगा तो वो टूटेगा नहीं आपका रिंग जो है ना लगा हुआ पर्दे में। तो मैं तो ऐसे ही सारे पर्दों को ऐसे बांध के और फिर मैं मशीन में डाल दूँगी, तो मेरे रिंग ख़राब नहीं होते, रिंग वैसे के वैसे ही रहते हैं। और मैं एक साथ में ना सारे पर्दे धो लूँगी, और ऐसे गोल मतलब इकट्ठा करके सारे बांध के फिर मैं किसी भी कपड़े में, मैं तो बच्चे के टी शर्ट में भी आगे का बस हिस्सा वो कर देती हूँ, वो धुल जाता है साफ़ हो जाता है, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और रिंग मेरे सेफ़ हैं अभी तक, बहुत पुराने पर्दे हैं लेकिन फिर भी ठीक है अभी तक। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। और आज का मेरा यही रूटीन था, यहीं तक था, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें।